पर्सनल फेवरेट. सो बेसिकली जब उनका मर्डर हुआ था, रियली इंस्पायर्ड बाय डिस्क्रिप्शन. जो पिंक वाला है, दैट्स मेड ऑन सिंगल लेयर ऑफ ऑर्गेन्स. सो इट्स बेसिकली ऑन दाता दरबार एंड मलांग्स दिमाग. आज हम आए हैं थीसिस डिस्प्ले देखने. ये पीआईएफडी का थीसिस, और ये वो पीआईएफडी है जहाँ से मैं फैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन की है. तो आई हैव बीन एन ओवर अचीवर फैशन डिज़ाइनर फ्रॉम पीआईएफडी, और आज उनका 2021 का थीसिस डिस्प्ले है. तो ये है फरमान साबिर, सीईओ ऑफ पूरो कास्ट्रा. ये आज हमें टूर पे लेके जा रहे हैं. आप इनकी ड्रिप चेक कर सकते हैं. ड्रिप. हाय फैंस, हाय फैंस. पहुँच गए और अब देखते हैं जाके थीसिस डिस्प्ले वगैरह सबका. वो जगह जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, और 4 साल के बाद हम फिर वापस वहाँ पे आके लैंड करें. फर्स्ट थीसिस वी केम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशिंग के साथ देखने की कोशिश की है. ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल कर्टन्स के साथ हमने देखने की कोशिश की है. ओवरऑल इफ आई टू रेट इट आउट ऑफ 10, I would actually give 6.5 something. Okay, mere aesthetics bahut count karte hain, overall implementation bahut count karti hai. This collection actually looks like this is still a work in progress. Kaam ho gaya uske par, texture on texture ke sath mein dekhne ki koshish ki hui hai. मगर ओवरऑल अगर कहें कि इसकी आइडियोलॉजी के फिलोसफी को मैं बता सकता हूँ, तो वो मैं भी नहीं बता सकता. तो स्टिल 6.5, क्योंकि 0.5 फॉर द एफर्ट. मैं जिस चीज़ पे रेट कर रहा हूँ बेसिकली वो बहुत स्ट्रिक्ट रेटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए एस्थेटिक्स बहुत काउंट करते हैं. मेरे लिए फिनिशिंग, इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें फर्दर काउंट करती हैं, मगर एस्थेटिक इज़ द फर्स्ट मेन पॉइंट जो मेरे लिए. बेसिक्स, नो एस्थेटिक वैल्यू एज सच. ये वाली कलेक्शन है, ये बेसिकली लारे इफ्तिखार की कलेक्शन है, और ये इंस्पायर्ड थी उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज से. कलेक्शन है ये बोन चार्ट से इंस्पायर्ड है. ये है आयशा स्वरूप की कलेक्शन. इसका पूरा जो बोन्स, ह्यूमन बोन्स और ह्यूमन स्कल्प्स और सारा कुछ, ह्यूमन जितना भी आपका जो बोन स्ट्रक्चर होता है उससे बना हुआ है. हाँ, ये मेरी अपनी कलेक्शन है, फ्रेजाइल मेनूवर ऑफ गला. दिस कलेक्शन इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड बाय एन ऑस्ट्रेलियन बर्ड गला कॉकेटू, अलॉन्ग विद इट्स सिमिलैरिटीज टू एरियल एक्रोबेटिक्स. फ्लो के ऊपर, सॉफ्टनेस के ऊपर, फ्रिजिलिटी के ऊपर. ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये बर्ड है, मैंने इस पर रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि एरियल एक्रोबेटिक्स हम लोगों का जो डिपार्टमेंट है अंदर सब चीज़ों का मर्ज होता है. आप नेक्स्ट को भी ये वाला काम है. ये है मरियम आसिफ का काम है, सन डायल से इंस्पायर्ड है. सन सन के शेड के थ्रू. हां जी जी. ये पीस फैशन जी जी. ये बेसिकली जो होती है ना जापानीज वुमेन होती है, उससे ये इंस्पायर्ड है कलेक्शन. और टेप वगैरह, क्योंकि ईगल इज बेसिकली अ वेरी ब्रॉड. ये कराटे इंस्पायर्ड है. इस पर मेरे ख्याल से इन्होंने जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश की है कलर्स से. इस कैरेटर फ्लावर, ये थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शन है. इसका एस्थेटिक वैल्यू ऑन पॉइंट है. एस्थेटिक वैल्यू ऑन पॉइंट टोटली. किस पे एम्बेलिशमेंट वर्क, टॉप क्लास, सी थ्रू वर्क, इनोवेटिव, बहुत डिटेल का फाइन एम्बेलिशमेंट वर्क मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. इसने मेहनत की अपने थीसिस पे अच्छी खासी. इनका ड्रेस भी देखो, लेदर डिपार्टमेंट मगर है लेदर का.
है गिलगित इंप्रेशन इंस्पिरेशन है बहुत डायरेक्ट उन्होंने सीक्यू के साथ कंपस वगैरह सारी वीडियोस दी हैं ताकि ओ नाइट लाइफ ऑफ वीडियो सिटी म्यूजिक सो फार हैव बीन माय पर्सनल फेवरेट कलेक्शन साइकेडेलिक विनाइल पर्सनल फेवरेट ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन फिनिशिंग कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड मगर ओवरऑल गुड वर्क जैकेट विनाइल साइकेडेलिक विनाइल जैकेट Actually, fresh take on overall subject matter. Pretty fresh. Overall, aesthetic value अच्छी है. Color jumps. ये सिर्फ translate नहीं हो रहे हैं वो palette wise. मगर good work. So 2016. मगर मैं किसी की भी दिल नज़ारी demotivate नहीं कर रहा कि मेरा personal opinion है personal take and अब हम उस रूम में आगे जहाँ मेरा थीसिस डिस्प्ले हुआ था जी मिलिट्री इंस्पिरेशन है इसके अंदर ओवरऑल टेक अच्छी है दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन दिस इज नॉट द फैक्ट और एनीथिंग दिस इज नॉट पर्सनल इंस्पिरेशन Okay, so, Assalamu alaikum, my name is Sari Bhume and the name of my collection is Ruskaya Revolutsiya, which is Russian Revolution in Russian language. Who I stand with her, which is the last Tsar, he never wanted to be the Tsar. Jewelry with her. And that jewelry also, he has put in his garments, in his garments, he has put it hand sew. So these explain the epaulettes. So basically, जब उनका मर्डर हुआ था स्टार्ट हुआ था तो जो फायरिंग हो रही थी वो बुलेट्स उनके गारमेंट्स के अंदर जाके फंस जाती थी वो इस तरह से जो है ना उनके गारमेंट्स के अंदर स्टक हो जाती Very clever detail, very clever detail. Bullet shells. और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दीज आर द फैमिली पोर्ट्रेट्स जिनका मर्डर हुआ था आई हैव यूज्ड द आईलेट्स एंड द रेड थ्रेड टू शो देयर एम्प्टी फ्रंट और बैक भी यूज हो रही है In this jacket, I have used the family portraits and the royal badges. Look at this. Very repeated patterns. Fresh color palette. So my topic was reality paradox and it was inspired by a science fiction series called Dark and basically that the story of the series is that it revolves around time travel and parallel worlds. I'm really inspired by this collection. Super amazing. But sadly, उनका बंदा आज absent है तो वो हमें explain नहीं कर सकेंगे अपने collection wise. Pretty clever take on this. Is a good vinyl pieces, acrylic pieces, sorry. Amazing take on this psychedelic vinyl sheet. Oof, yeah. Body work used over skin layering, paneling, textile bottom making, embellishment, texture on texture. Actually inspired by the construction process of my own home. So during the pandemic when I didn't have much to do, my parents suggested that I should accompany them to the construction site. I started looking into the objects that were in my use when I was visiting the construction site. Your major inspiration is obviously self-explanatory. This type of textile surfaces, what is your inspiration? I think this is LED board or something. Basically, जब घर की बेस के अंदर एक वो मेटल का स्ट्रक्चर डलता है दैट्स नोन एज राफ जो सरिया होता है वो सारे दूसरे पर जब सुपर इम्पोज किया जाता है तो एक ऐसा आपको स्क्वायर्स अपॉन स्क्वायर्स वाली लुक देता है हमने आउटर स्ट्रक्चर में वी पुट इन द मेटल वायर ताकि हम उसको
mold kar sakte hain through the required time. Thank you. And they are all made of different they all have different techniques. Jaise this is made on double layer of organza. Okay. Jo pink wala hai that's made on a single layer of organza. So bahut fast Yes. और इस पर अगर आप देखो तो इस नाते ब्लैक वर्क नीचे छुप गया है उस पर हमने शिफॉन स्ट्रिप्स को टियर करके ट्विस्ट करके वी यूज दैट यू हैव टू इट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिकली द पर्पल फ्लावर इन द आयरस सो आयरस गॉट दिस पर्पल यस एंड आई स्टडीड ऑल द डिफरेंट शेड्स ऑफ आयरस एंड देन दे वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कलेक्शन फाइन एंड दैट्स द शेड कार्ड यू कैन हैव अ लुक एट दैट सो ये सब कलर्स इस फ्लावर में थे And I use the collection. Yeah, I know. Yeah, but if you look at Assalamu alaikum. So my name is Maryam Bhatt and my topics are Believer's Paradise. So it's basically on Data Darbar and the Malang's Damal ritual and the prayer notes. So basically it was my first ever experience in Data Darbar, so I experienced many unusual materials there. For example, car toys, rings, bangles, locks. So I got to know there was a meaning behind all of it. There किसी का बच्चा नहीं हो रहा या शादी नहीं हो रही तो they used to place such items there. और वहाँ पर लोग pigeons को खाना दे दिया था कि हमारे लिए दुआ करेंगे मन्नत जल्दी पूरी हो जाएगी Overall, it's my manat skirt. So I've taken inspiration from the Malang's garments because they're very loose. So I kept my collection very baggy. So the Malang's, they used to dance to the beat of the drums. So I've taken the drum silver and constructed the skirt. And listen to the sleeve is inspired by the wedding ritual. This is Punjabi mein gant kehte hain. So isme hota ye jo the bride hai, she takes her jamawar fabric aur wo sabko knot karti hai. So And over here you can see the top is made of the same shape but threads ke saath macrame ki form mein maine kiya hua hai since women used to wear peranda there to maine iski jo drawstring ki accessory maine usse se manipulate kiya with different knots and the fabric and the gungus and the beads loose shoulders mere khayal se iske rakhi hai ki wo derwish type ki feel ke liye kyunki mere batch mein bhi bahut sare logon ne ye take lene ki koshish ki thi dada darbar ki magar ye this is actually a pretty fresh take on dada darbar mein